अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में कोई भी एमसीक्यू नहीं है। अभी तक मैंने आपको सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर का सभी एमसीक्यू सॉल्व करा दिया है। उसका लिंक आपको ऊपर जो आई बटन दिखाई दे रहा है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इससे पहले का एमसीक्यूज आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, इसका एमसीक्यू आपको सॉल्व कराऊंगा। बच्चों मैंने जो चैप्टर 5 है इसका एमसीक्यू सॉल्व कराने के लिए दो पार्ट में वीडियो बनाया है, तो ये पार्ट 1 है। अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखोगे तो एक चार्ट है, तो चार्ट काफ़ी बड़ा है, तो जो रहेगा सेकंड पार्ट में मैं उसको फिल कराऊंगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट किया एमसीक्यू, तो चलो इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आइडेंटिफाई द ओड मैन आउट। ओड मैन यानी कि जो उसमें रॉन्ग पेयर है उसको आपको क्या निकालना है, आउट करना है, यानी कि निकाल देना है। तो चलो क्वेश्चन समझते हैं और सॉल्व करते हैं। द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, मतलब ब्राजील में फॉरेस्ट के टाइप इनमें से कौन कौन से हैं। आपके सामने चार ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे देखिए पहला ए है थोर्नी बश टाइप वेजिटेशन। अगर हम बात करें तो थोर्नी बश टाइप वेजिटेशन आपको ब्राजील में मिल जाएगा। एवर ग्रीन फॉरेस्ट की बात करें तो वो भी ब्राजील में मिल जाएगा। दी हिमालय फॉरेस्ट, हिमालय फॉरेस्ट की बात करें तो हिमालय फॉरेस्ट आपको ब्राजील में नहीं मिलेगा। हिमालय फॉरेस्ट कहाँ पे है, इंडिया में है, क्योंकि हिमालय है कहाँ पे, इंडिया में। तो हिमालय फॉरेस्ट को हमें क्या करना रहेगा, आउट कर देना रहेगा। हिमालय फॉरेस्ट जो है ब्राजील में नहीं है। डेसिडियस फॉरेस्ट जो है आपको ब्राजील में देखने को मिल जाएगा। तो यानी क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है द फॉरेस्ट टाइप ऑफ ब्राजील, इसमें से जो ओड मैन क्या है, इसमें दी हिमालय फॉरेस्ट, हिमालय फॉरेस्ट को आपको क्या करना रहेगा, आउट कर देना रहेगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडिया, अभी हम इंडिया में देखते हैं इसमें से इंडिया में कौन कौन से रेफरेंस यानी कौन कौन से मिलते हैं, तो देखते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट, इंडिया में आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, जो कोस्टल एरिया के पास जो फॉरेस्ट होते हैं, जो इक्वेटर के थोड़ा आसपास होते हैं, उसे हम लोग मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं। सेकंड है बी मेडिटेरियन फॉरेस्ट, ये भी आपको इंडिया में मिल जाएगा। थोर्नी बश टाइप फॉरेस्ट, ये भी आपको इंडिया में मिल जाएगा। डी की बात करते हैं इक्वेटेरियल फॉरेस्ट, यानी कि इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट होते हैं उसे हम लोग इक्वेटेरियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो अगर आप ब्राजील को देखोगे तो उसके जो नॉर्थ से है तो इक्वेटर पास होता है ना, तो ब्राजील में आपको इक्वेटेरियल फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इंडिया में नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो इसमें जो ओड मैन क्या है, ऑप्शन डी, इसको आपको आउट कर देना रहेगा, निकाल देना रहेगा। समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू फाउना ऑफ ब्राजील, फाउना का मतलब होता है बच्चों एनिमल, फाउना का मतलब क्या होता है, एनिमल होता है। तो अभी हम इसमें से देखते हैं कि ब्राजील के कौन कौन से एनिमल हैं और जो नहीं रहेंगे उसको हम क्या करेंगे, ओड मैन आउट कर देंगे। तो एनाकोंडा ब्राजील में देखने को मिलता है, टैमरिन देखने को मिलता है, मकाऊ देखने को मिलता है, लायन आपको ब्राजील में देखने को नहीं मिलेगा, इंडिया में मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो, एनाकोंडा एनिमल है, टैमरिन एनिमल है, मकाऊ जो है बर्ड है और लायन जो है एनिमल है। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुझे लगता है कि जो ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, आप इसको जरा चेक कर लेना, ठीक है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम है ऑप्शन में, क्योंकि जो मकाऊ होता है, मकाऊ एक बर्ड होता है। क्लियर हुआ। फिर भी इसका आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा, लायन। लायन जो रहेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, इंडिया में, ब्राजील में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू फ्लोरा ऑफ इंडिया, फ्लोरा यानी क्या होता है बच्चों, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, समझ में आ गया है। तो हम देखते हैं इसमें से इंडिया का कौन कौन सा प्लांट है। तो इंडिया में आपको देवदार देखने को मिल जाएगा, अंजन देखने को मिल जाएगा, ऑर्किड, ऑर्किड आपको देखने को इंडिया में नहीं मिलेगा, तो इसे हमें क्या करना है, आउट कर देना है। बनियान आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो आपका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो फर्स्ट का आंसर है वो क्या रहेगा, आपका सी रहेगा। सेकेंड का जो आंसर है वो रहेगा डी। थर्ड का आंसर रहेगा आपका डी और फोर का आंसर आपका रहेगा सी। ये सब ओड मैन आउट हैं, आप इसको आंसर की अपने टेक्स्ट बुक में
टिक कर लेना और एक बार इसको अच्छे से देख लेना तब टिक करना। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थर्ड है, मैच दी कॉलम। तो बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपके आंसर लिख दिया है, ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने आंसर की भी दिया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में वो क्या करना मैच कर लेना। कॉलम ए और आंसर मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया। तो पहले देखते हैं ए क्या है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट किसे कहते हैं, उसमें से पाओ ब्राजील जो होता है एक ट्री होता है जो कि एवरग्रीन होता है, जो कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में ए ट्री आपको मिल जाएगा पाओ ब्राजील। तो एवरग्रीन को किससे मैच करोगे, पाओ ब्राजील से मैच करोगे। समझ में आ गया? बी ऑप्शन है डेसीडियस फॉरेस्ट। डेसीडियस फॉरेस्ट में आपका आता है टीक। टीक क्या होता है, आपका सागौन होता है, सागौन को हम लोग टीक कहते हैं। समझ में आ गया? फिर सी क्या क्या है, कोस्टल फॉरेस्ट। कोस्टल फॉरेस्ट यानी जो कोस्टल एरिया में होते हैं वहां पे आपको सुंदरी ट्रीज पे मैच करना है। आपके टेक्स्ट बुक में सुंदर ट्रीज लिखा है, देख लेना उसको। डी की बात करते हैं हिमालय फॉरेस्ट की। तो हिमालय फॉरेस्ट क्या होता है, पाइन। अगर आप हिमालय में जाओगे तो आपको वहां पे एक ट्री देखने को मिलेगा जिसे हम पाइन कहते हैं। समझ में आ गया? ई है थोर्नी एंड बश टाइप ऑफ वेजिटेशन। थोर्नी का मतलब ऐसे वेजिटेबल जिसमें कांटे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, थोर्नी एंड बस। बस यानी छोटे छोटे होते हैं, जो कि होता है आपका खेजड़ी, जिसे हम लोग खेजड़ी भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, आप इसको देख लेना। आप अपने टेक्स्ट बुक में अगर मैच करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। ए का जो रहेगा थर्ड आंसर रहेगा, बी का जो रहेगा फिफ्थ रहेगा, सी का जो रहेगा फर्स्ट रहेगा, डी का जो रहेगा सेकेंड रहेगा, और ई का जो रहेगा फोर्थ रहेगा। ठीक है, ये था आपका MCQs। बाकी जो चार्ट रहेगा मैं पार्ट टू में सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।